आज हम लोग जाएंगे सबसे पहले एक चर्च में और उसके बाद जाएंगे हम बाथ हाउस। तो ये देखो, तो ये बाथ हाउसेस बुडापेस्ट के थर्मल स्प्रिंग से पावर्ड है। तो यहाँ पे जितने भी थर्मल स्प्रिंग है तो 5-6 बाथ हाउस ने उस स्प्रिंग को कैप्चर किया है और कुछ 27 यूरोस का है। आई नो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन ये टोटली वर्थ इट है। और यहाँ का जो बाथ हाउस का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आज मेरे साथ एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ बाथ हाउस। कैन यू से हाय टू द व्लॉग? तो आज हम दोनों साथ में एक्सप्लोर करेंगे चर्च, अच्छा फूड जो कि है सेंट्रल हॉल में, और उसके बाद हम जाएंगे बाथ हाउस। और अगले 4-5 घंटे का प्लान है सॉर्टेड। सी यू फ्रॉम देयर। तो मेरे पीछे ये है सेंट बेसिलिका चर्च और ये है आज का हमारा पहला स्टॉप। और ये अंदर से बहुत सुंदर है, मैं अभी जिसके अंदर से जाके आई हूँ। होके आई हूँ और ये अंदर से पूरा गोल्ड का आर्किटेक्चर है, चारों तरफ बड़े बड़े कॉलम्स हैं। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना सुंदर होगा ये चर्च अंदर से, बट ये बहुत मैसिव है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे एक्चुअली लोग आके प्रे भी करते हैं और यहाँ पे टिकट्स भी लगती है। तो चर्च से निकल के हम लोग गए खाना ढूंढने और रास्ते में हमें मिला ये फ्ली मार्केट। और ये मार्केट यहाँ का वीकेंड मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, चॉकलेट ये सब रखा हुआ था। तो वीकेंड मार्केट क्रॉस करके हम पहुंच गए सेंट्रल मार्केट हॉल। और सेंट्रल मार्केट हॉल फेमस है अपने डिफरेंट कुजींस, यहाँ के लोकल फूड डिलिकेसीज और अपने डेजर्ट्स के लिए। लेकिन आज था संडे और संडे के दिन ये बंद था। Then we need to find somewhere here for breakfast. Yeah, obviously we can. I think there must be something here. I so wanted to go to Central Market. तो हमारा ब्रांच का प्लान हो गया चेंज। हमें वहाँ पे मिला एक बहुत ही अच्छा टर्किश रेस्टोरेंट और हम वहाँ पे चले गए टर्किश मील खाने। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला टर्किश मील था और यहाँ पे अनलिमिटेड ये लोग टी भी दे रहे थे। तो आज ब्रेकफास्ट और लंच एक ही होने वाला है और मैंने यहाँ पे लिया है एक चिकन और बैंगन का कुछ और साथ में टर्किश राइस। और ये केरला राइस जैसा टेस्ट करता है, इसका टेक्सचर, इसका फील, इसका टेस्ट पूरा केरला राइस जैसा है। तो अभी हम हैं इस बाथ हाउस के अंदर एंड इट्स टू फैंसी फॉर अ बाथ हाउस। ये है लॉकर एरिया और अभी यहाँ से कपड़े चेंज करके हम जाएंगे मेन बाथ हाउस में। सो अभी मैं हूँ बाथ के लिए रेडी और यही है और ये है लॉकर रूम। और यहाँ पर ऐसे सामान आराम से रख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ वेयर है, कोई लॉकर नंबर नहीं है, आप अपना वॉच लेके जाओ जो कि है ये वाला वॉच, और कोई भी लॉकर खोल लो और वो अगर खुल गया तो वो आपका। Thank you.
तो ये है पूल नंबर टू और मेरे पीछे ये है स्विमिंग पूल। और इस स्विमिंग पूल में जाने के लिए आपके पास कैप होना चाहिए, लेकिन पूल पे सही है, पूल में कोई जरूरत नहीं है। गो जस्ट फाइंड द फर्स्ट वन एंड सिट देयर। तो अभी हम लोग आउटडोर पूल में थे और अभी हम यहाँ से जाएंगे इंडोर पूल में। ओके, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वार्म है, बाहर बहुत कोल्ड है। तो इस बाथ हाउस में अराउंड 18 पूल्स हैं और उसमें शायद 11 या 12 पूल्स इंडोर हैं और ये सारे पूल्स अलग अलग टेम्परेचर से हीटेड हैं। और अब हम चले चिमनी केक की ओर, जो कि बहुत दूर है, लगभग 5 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से मेट्रो लेने वाले हैं और मेट्रो स्टॉप बहुत ही पास है इस बाथ हाउस से। और पहले ये सारे केबिन्स चार्जेबल थे, लेकिन अब इनको फ्री कर दिया गया है। मतलब इनके लिए अलग प्राइस था और लॉकर्स के लिए अलग प्राइस था, लेकिन अब ये फ्री है, सब आराम से चेंज कर सकते हो। लहीर, आर यू रेडी टू गो? Right? I think we came from this side. Wow! Thanks! I had a super night. We're finally checking out. And now... Bye-bye! I feel tired. Happy, both at the same time. We what have do you think? Like best day. Yes, we did. अभी हम हैं कैफे मोलनर में और बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, लेकिन इस जगह में बस दो ही चीज़ मिलता है शायद, चिमनी केक और चिमनी केक का अंदर आइसक्रीम। और अंदर बहुत ही लंबा क्यू है, अगर आप देखो तो लहीरी यहाँ पे है और यहाँ पे काउंटर है। तो इनके विंडो से आप देख सकते हो कि आपके सामने ये लाइव चिमनी केक बनाते हैं और ये केक वो जो चिमनी रखी हुई इनके पीछे उसके अंदर बनता है और इसीलिए इस केक का नाम है चिमनी केक। मेरे हॉस्टल के जो सामने वाले रोड पे ही है ये फेरिस व्हील और इसको बुदापेस्ट का आई भी बोला जाता है और ये रात को पूरा लाइट अप हो जाता है और ये एक्चुअल में एक जाइंट व्हील है जो हम मेले में देखते हैं और इसमें आप टिकट लेके बैठ भी सकते हो।
और मैं भी जा रही हूँ डिनर करने। तो डिनर करने मैं गई थी एक बहुत ही ऑथेंटिक लोकल प्लेस पे। तो ये है आज का डिनर डेट और इसके साथ हमने होममेड लेमनेड भी ऑर्डर किया था लेकिन बहुत लगाया नहीं है। तो डिनर के बाद हम दोनों गए थे न्यूयॉर्क कैफे हाउस में। यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कैफे हाउस है, आपको आर्किटेक्चर देखकर समझ ही आ गया होगा, लेकिन हम बस यहाँ से बाहर से फोटो लेके भाग के आ गए और यहाँ पे हमने कुछ खाना नहीं खाया। तो इसी के साथ ही खत्म होता है मेरे बुडापेस्ट का ट्रिप। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कौन सी चीज़ सबसे ज्यादा पसंद आए वो जरूर कमेंट में बताइए और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Wow.